Hello friends and welcome to our channel. Today we will discuss about our topic density. लेकिन topic लेने से पहले हम आपको एक activity perform करके दिखाएंगे. So now let's perform. Now what we have taken? Two glasses filled with tap water and with two lemons. अगर मैं आपको इन दो glasses में इस lemon को डाल के बताऊं तो ये lemon क्या करेंगे? Sink करेंगे या float करेंगे? Let's see. अगर मैं इनमें लेमन डालूं, बिकॉज लेमन्स आर हैवी देन द वाटर, सो ये क्या कर जाएंगे? सिंक कर जाएंगे. लेकिन अगर मैं एक ग्लास में, मतलब एक ग्लास में टैप वाटर है और एक ग्लास में थोड़ा सा नमक सॉल्ट थोड़ा सा मिक्स कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं एक ग्लास में थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर दूं और फिर मैं इस लेमन को इसमें डाल के दिखाऊं, अब देखते हैं कि लेमन इसमें फ्लोट करेगा या डूब जाएगा. लेट्स सी. सी, लेमन इज फ्लोटिंग इन दिस सॉल्ट सॉल्यूशन, लेकिन टैप वाटर में वो क्या कर गया? सिंक कर गया. ऐसा क्यों? क्योंकि लेमन इज हैवी देन द टैप वाटर, ठीक है, तो उसमें सिंक कर गया. लेकिन यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन हैवी हो गया देन द लेमन, सो यहाँ पे लेमन क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है. इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, ये हम अभी पढ़ेंगे. अब हमने देखा कि जो लेमन था टैप वाटर में तो सिंक कर गया, ठीक है, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या कर रहा था? फ्लोट कर रहा था. दैट इज ड्यू टू डेंसिटी, क्योंकि लेमन की डेंसिटी इज ग्रेटर देन द टैप वाटर, ठीक है, इस कारण से लेमन क्या कर रहा था? उसमें सिंक कर रहा था. लेकिन जब हमने टैप वाटर प्लस सोल्ट डाल दिया उसमें, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी, टैप वाटर प्लस सोल्ट की डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज कर दी, ठीक है. पर ये डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मास ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम. इसका क्या मतलब है? मास ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम. कंसिडर कर लेते हैं कोई वॉल्यूम. वॉल्यूम का क्या मतलब है? हमारे पास यहाँ पे कोई भी स्पेस, ठीक है, कंसीडर कर लो कोई स्पेस. हमने कंसीडर किए टू इक्वल साइज्ड बॉक्स. क्या इनका साइज इक्वल है, ठीक है, इन दोनों बॉक्सेस का. और साइज तो इक्वल है, ठीक है, इसमें मैंने एक बॉक्स में रख दी तीन बुक्स, ठीक है, और दूसरी बॉक्स में रख दी मैंने पांच बुक्स. आप बताओ देखकर कि ये वाला बॉक्स हैवी है या फर्स्ट वाला बॉक्स हैवी है. ऑब्वियसली सेकंड बॉक्स इज हैवियर देन द फर्स्ट बॉक्स, ठीक है, इस वजह से इसकी डेंसिटी हम क्या मान लेंगे? ज्यादा देन द फर्स्ट बॉक्स. ऐसा क्यों? क्योंकि इतने से स्पेस में इतना सारा मास क्या है? ऑक्यूपाइड है, ठीक है. हम डेंसिटी को कैसे देखते हैं? ये चीज क्या है? कितनी भारी है. ये चीज क्या है? कितनी घनी है. इसका क्या मतलब है कि जिसमें ज्यादा मास ऑक्यूपाइड होगा उतनी ही उसकी क्या होगी? डेंसिटी. सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, पर मास किसमें? इन द पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बन गया? मास डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. इस सारे कंसेप्ट में हमने वॉल्यूम को हमने फिक्स रखा था, ठीक है, और मास को हम क्या कर रहे थे? वेरी कर रहे थे, ठीक है. और अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट में अपने मास को वेरी कर रहे और वॉल्यूम को, यानी कि स्पेस को फिक्स रख ले, तो क्या होगा? अब देखते हैं कि अगर हम अपनी मास को सेम रख के वॉल्यूम को वेरी कर ले, जैसे हमने एक कंसीडर कर ली आयरन नीडल, ठीक है, और साथ में क्या कंसीडर कर लिया? सम कॉटन. इसका भी मास हमने क्या ले लिया? 1 kg, और कॉटन का मास भी क्या हमने ले लिया? 1 kg. क्या आप देखकर बता सकते हैं कि कौन भारी है? कैसे बताएंगे? क्योंकि इसका भी मास 1 kg है और इसका भी मास 1 kg है. दे आर बोथ इक्वली हैवी, ठीक है. तो कैसे पता लगेगा कि डेंसर कौन है ज्यादा? किसकी डेंसिटी हाई है? हमने क्या किया था? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास हमारा फिक्स है,
तो कौन बताएगा? वॉल्यूम बताएगा कि डेंसिटी किसकी हाई है, क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो इसमें क्या होगा कि जिसने स्पेस ज्यादा कवर की उसकी तो डेंसिटी कम. डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. जिसने स्पेस ज्यादा ले ली उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी. ठीक है. और जिसने वॉल्यूम कम ले ली, स्पेस कम ली, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी. देख के बताओ कि किसने स्पेस ज्यादा घेर रखी है, किसने स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रखी है. ऑब्वियसली कॉटन ने तो इतनी सारी स्पेस ली हुई है और आयरन नीडल ने इतनी सी. ठीक है, मेल ने इतनी स्पेस ले रखी है, इतनी सी. ठीक है, तो वॉल्यूम किसका बढ़ गया? इसका. इस वजह से इसकी डेंसिटी क्या होगी? आयरन नेल से लेसर होगी. सो आयरन नेल इज मोर हैवियर देन द कॉटन और आयरन नेल इज मोर डेंसर देन द कॉटन. अब अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं. उसमें हम क्या कंसीडर करेंगे? हम देखेंगे डेंसिटी के यूनिट्स. यूनिट्स हम बनाएंगे इन द एसआई फॉर्म. सॉरी, डेंसिटी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. एसआई यूनिट्स में क्या होता है? मास किलोग्राम और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब. ये तो हम कुछ हैवी मटीरियल की डेंसिटी अगर फाइंड करनी हो तो उसके लिए यूज करते हैं. ठीक है, अगर लेकिन हमें कुछ स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल का भी डेंसिटी निकालनी हो तब क्या यूनिट्स यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब ना अब हमने देखा कि केजी पर मीटर क्यूब अपनी यूनिट्स हैं डेंसिटी के टू फाइंड द हैवियर वैल्यूज. ठीक है, लेकिन हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके लिए यूज करते हैं? टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ, मतलब कुछ छोटी से छोटी चीजों के लिए फाइंड करने के लिए. लेकिन इन दोनों का रिलेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ 3000 केजी पर मीटर क्यूब इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसका रिलेशनशिप. तो वो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है. आपको पता है कि 1 केजी में कितने ग्राम्स है, ठीक है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है. ठीक है, आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. ओके, अब हमने क्या निकालनी है? वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में. तो हम इधर से ग्राम्स निकाल लेंगे और यहाँ पे सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ केजी एंड मीटर. तो अगर हम इसे रेसिप्रोकेट करें तो हमारे पास क्या आ गया? 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 केजी एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर. क्योंकि हमने मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में देखना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/10^6 मीटर क्यूब. अब हम इस वैल्यू और इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, अब देखते हैं. अब हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है 1/1000 केजी ग्राम के सामने. अगर हम इसे ऐसे लिखो ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम के सामने 1/1000 केजी और सेंटीमीटर क्यूब के सामने हमने क्या लिखना है? 1/10^6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब. यहां से 3 जीरो कट हो जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब. क्लियरली हमारे पास क्या रिलेशन आ गया कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब. इसको हम आप शॉर्ट करके लिख लेते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब. इस वैल्यू के साथ अगर हम अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैसे होगा? क्योंकि हमने हमें इस वैल्यू को निकालना है. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा?
केजी पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कितने केजी पर मीटर क्यूब? 3000, ठीक है। ये तो 1 के लिए था, अब हमने कितने के लिए निकालना है? 3000 के लिए। तो कितना आ जाएगा? 3000/1000 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आ गया हमारे पास वैल्यू? दैट इज 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अंडरस्टूड। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब हमने अपने टॉपिक देखा डेंसिटी। अब हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में फर्क क्या है हम देखेंगे। यहाँ पे वर्ड जो है रिलेटिव, हम रिलेटिव वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं? हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं क्या करते हैं? हमेशा क्या करते रहते हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन किस कहाँ कहाँ पे करते हैं? कि उसकी बेटी तो ये कर रही है, तू तो सोई पड़ी है, ये वो फलाना फलाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? कंपैरिजन। जैसे हमारे रिश्तेदार कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे डेंसिटी का। डेंसिटी का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? हम डेंसिटी का कंपैरिजन करेंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद द डेंसिटी ऑफ वॉटर, ठीक है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। दैट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ वॉटर, ठीक है। हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वॉटर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वॉटर हम सबको पता है क्या होता है? या तो 1000 kg/m³ या फिर 1 g/cm³। तो मैथमेटिकली अगर हम इसे देखें कि कंपेयर कैसे करें, तो अगर तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, अगर तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन 1, और इफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन 1, तो क्या होगा? लेस देन 1 मतलब कि अगर तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, जैसे लेमन देखा हमने, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या थी? वाटर से ज्यादा, तो वो क्या कर गया? सिंक कर गया। तो वो क्या कर गया? सिंक कर गया, ठीक है। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन वाटर, अगर एक से अगर उसकी डेंसिटी लेस हो जाए, तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरता चला जाए। ओके, यही कंसेप्ट से हम देखेंगे अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। लेट्स सी, एक एक्टिविटी परफॉर्म करके हम आपको बताएंगे कि उसमें हम क्या लेंगे? एक ग्लास, ठीक है, जिसमें हम 3 लेयर्स फॉर्म करेंगे। किस किस की? एक तो हनी की यानी कि शहद, और साथ में एक लेयर हम फॉर्म करेंगे टैप वाटर की, और थर्ड लेयर हम फॉर्म करेंगे ऑयल की। कौन कौन सी लेयर्स? ऑयल, वाटर एंड हनी, ठीक है। अगर हम इनमें कुछ चीजें फेंक के दिखाएं आपको, तो देखेंगे कि कौन सी चीज इसमें सिंक कर जाएगी यानी कि डूब जाएगी, और कौन सी चीज ऊपर ऊपर फ्लोट करेगी। हम इसमें क्या क्या लेंगे? फर्स्ट हम लेंगे इसमें एक आयरन पीस, ठीक है। सेकंड हम क्या लेंगे इसमें? कुछ भी ले लो आप, कोई भी आप सेफ्टी पिन ले सकते हैं, नीडल ले सकते हैं कोई भी, ठीक है, या फिर आप कोई कैप ले सकते हैं प्लास्टिक का, ओके, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं प्लास्टिक कैप और कोई भी पिन, ठीक है। और थर्ड हम क्या यूज करेंगे? कॉटन, और कॉटन की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? स्पॉन्ज भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे आपको परफॉर्म करके बताएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी। अब हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है? एक ग्लास में हमने क्या कंसीडर किया है? हनी, शहद। दूसरे ग्लास में हमने टैप वाटर यूज किया है। थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक ड्रॉप फूड कलर यहाँ पे इसमें मिक्स किया है। आप भी कर सकते हो,
ठीक है, वरना आप टैप वाटर भी सिंपल यूज कर सकते हो। थर्ड हमने क्या यूज किया है, ऑयल। ओके, अब हमने अपनी तीन लेयर्स फॉर्म कर ली हैं, ठीक है, क्योंकि हनी जो कि सबसे ज्यादा डेंसर है कंपेयर टू वाटर एंड ऑयल, ठीक है, इस वजह से वो क्या हो गया, सेटल हो गया बॉटम पे जाकर, इट सेटल डाउन एट द बॉटम। लेकिन बिकॉज ऑयल इज वेरी लाइटर देन हनी एंड वाटर, सो वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है सबसे टॉप पे। अब हम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इसमें डालकर देखेंगे कि कौन सी चीज इसमें फ्लोट करेगी और कौन सी चीज इसमें फ्लोट नहीं करेगी, यानी कि सिंक कर जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन द कॉइन, देखते हैं कि कॉइन के साथ क्या होगा। जैसे ही हमने इसके कॉइन को इसके अंदर डाला, द कॉइन गेट्स सिंक इन द हनी सिरप, वो क्या कर गया, हनी के अंदर जाकर सिंक कर गया, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रेप यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसे यूज कर रहे हैं तो देखते हैं इसके साथ क्या होगा। हियर ग्रेप इज फ्लोटिंग ऑन द हनी, बट वो क्या कर गया, डूब गया ऑयल और वाटर में। इट मींस कि इट इज डेंसर देन ऑयल एंड वाटर, लेकिन हनी से ही क्या है, लेस डेंसर, हल्का है, ठीक है। लेकिन कॉइन क्या था, काफी डेंस था, इस वजह से वो ऑयल वाटर और हनी तीनों में जाकर डूब गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, एक कैप, कोई भी बॉटल का कैप आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके साथ क्या होगा, जब हमने इसे इसमें डाला, ये क्या कर गया, वो तैर रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर, लेकिन इट सिंक्स इन द ऑयल। तो ये इसका क्या मतलब है कि वो डेंसर है ऑयल से, लेकिन इट इज लाइटर देन द वॉटर। लाइटर होने की वजह से वॉटर से वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर। लास्टली अब हम क्या लेंगे, एक कॉटन का पीस, जैसे हमने आपको बोला कॉटन के पीस को जब हम इसमें डालेंगे तब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब हमने ये कॉटन का पीस इसमें डाल दिया, देखो इट इज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑयल। मतलब ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स है हमें क्या बताती हैं कि सब ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं। ओके, सो विद दिस वी कंक्लूड आवर टॉपिक। थैंक यू।